सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलता रहे हमारा वीडियो सबसे पहले। ये कहानी है विशेक की। विशेक इंडियन आर्मी में है। 6 महीने पहले ही विशेक की नौकरी आर्मी में लगी है। उसके माता पिता गांव में ही रहते हैं। विशेक हर दिन अपनी माँ बाबूजी को फोन करता और उनसे उनका हाल समाचार लेता। उसके माँ बाबूजी भी उसके फोन का इंतजार करते। उससे बात हो जाती तभी वो लोग कोई दूसरा काम करते। फोन की घंटी बज रही है। विशेक के बाबूजी फोन उठाते हैं। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबूजी मेरी सैलरी आ गई है, पैसे भेज दिए हैं। आप बैंक जाकर निकलवा लीजिएगा, ठीक है? और जल्द से जल्द घर के छप्पर की मरम्मत करवा लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। ये कहकर बाबूजी ने फोन रख दिया। विशेक अपनी बैरक में जा ही रहा था कि बारिश होने लगी। बारिश को देखते ही उसे बचपन की कई बातें याद आने लगी। वो बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसके माता और पिता दोनों किसी दूसरे के खेत पर काम किया करते थे। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था। विशेक गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसकी एक आदत थी कि वो हर रात सोने के पहले अपनी माँ से कोई ना कोई कहानी जरूर सुनता था। एक रात उसकी माँ उसे महाभारत के अर्जुन की कहानी सुना रही थी। माँ, अर्जुन ने ही क्यों मछली की आँख पर निशाना लगाया, बाकियों ने क्यों नहीं? बेटा, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, इसलिए उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटका। विशेक ने उस दिन अपनी माँ की बात गांठ बांध कर रख ली और उसने बचपन में ही तय कर लिया कि उसे भविष्य में क्या करना है। वो अपने देश से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो चाहता था कि वो आर्मी में जाए। इसके लिए उसने 10 साल की उम्र से ही तैयारी शुरू कर दी थी। विशेक एक मैदान के चारों ओर दौड़ते हुए चक्कर लगा रहा है। 4 चक्कर हो गए, एक चक्कर और पूरा कर लूं, तब घर जाऊंगा। विशेक हर दिन शाम और सवेरे मैदान के 5 चक्कर लगाया करता था। उस दिन भी उसने चक्कर पूरे किए और घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। रात ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो भीगते भीगते ही घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने खपरैल घर में पहुंचा, तो देखा कि बारिश के कारण उसके घर की छत से पानी टपक रहा था। वहां उसकी माँ ने एक मटका लगा रखा था। ये सब देखकर उसे अपनी किताबों की फिक्र हो रही थी। तू आ गया बेटा? माँ, मेरी किताबें? तेरी सारी किताबें मैंने पॉलीथीन में बंद करके रख दी हैं, वो नहीं भीगेंगी। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे और तेरे बाबूजी के लिए खाना लगा देती हूँ। अब कितना हाथ मुंह धोऊंगा माँ, पानी में पूरी तरह से भीग कर तो आ रहा हूँ। विशेक की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। विशेक की पढ़ाई और आर्मी में जाने की तैयारी साथ साथ चलती रही और पढ़ाई खत्म होते ही उसने जो लक्ष्य तय कर रखा था उसे जल्दी ही हासिल हो गया। उसे आज भी वो दिन याद है जब। अरे डाकिया बाबू, अब चिट्ठी में क्या लिखा है जो इतनी देर से पढ़े जा रहे हो? वो तो बाद में बताऊंगा, पहले मुंह तो मीठा करवाओ। डाकिया बाबू, सच कहूं तो घर में कुछ भी मीठा नहीं है, किसी और दिन आप खा लीजिएगा। पहले बताइए तो इस सरकारी चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे चाचा, विवेक की नौकरी लग गई है, नौकरी। हाँ, इंडियन आर्मी में। डाकिया ये बात बता ही रहा था कि विशेक भी वहाँ आ गया। उसके माता और पिता ने तुरंत उसे गले लगा लिया और ये खुशखबरी दी। कुछ दिन बाद विशेक के जाने का दिन आ गया। उसे याद है कि उसकी अम्मा और बाबूजी उस दिन कितना रोए थे। बचपन से जो बच्चा हर पल सामने रहता था, वो अचानक से बहुत दूर जाने वाला था। खैर, कुछ दिनों बाद ही विशेक ने एक अच्छा सा फोन बाबूजी को लाकर दे दिया और उन्हें वीडियो कॉलिंग भी सिखा दी। उसके बाबूजी ने कभी ऐसा फोन देखा नहीं था, इसलिए उन्हें दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन विशेक ने उन्हें सिखा दिया। बहरहाल, एक दिन विशेक के बाबूजी और अम्मा उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वाह बाबूजी, अपना घर तो एकदम बदल गया। तेरी मेहनत से ही बदला है बेटा, दीवार पक्की करवा दी, छत भी पक्की हो गई। बस इस बार अपनी अम्मा के आँखों का ऑपरेशन करवा दे, वो अब ठीक से देख नहीं पाती। कल भी चावल में कितने सारे कंकड़ निकले। हाँ हाँ, सिर्फ मेरी शिकायत करो, अपनी मत बताओ। कल खुद रात को ये गुसल खाने में गिर गए थे। अरे बाबूजी, आपने बताया नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, वो जरा पाँव फिसल गया। झूठ मत बोलिए आप बेटा, डॉक्टर ने इन्हें भी आंख के ऑपरेशन के लिए कहा है। तुम भी ना उसे परेशान करती रहती हो। अरे एक बार